बहराइच से बहराइच में मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम जारी है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के झिंगहा घाट पर मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम सकुशल ढंग से जारी है। ऐसे में नगर क्षेत्र के सभी मूर्तियों को विसर्जन बारी बारी करके घाट में विसर्जित किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं घंटाघर चौकी पर पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल और भी शहर के सम्मानित लोग वहां पर मौजूद रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता नूर आलम वारसी की देखी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग। इस वक्त हम मौजूद है बहराइच के झिंगहा घाट पर, जहां पर आज मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम एक भव्य तरीके से चल रहा है। अब हमारे यहां पर पीछे देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर नगर क्षेत्र व पूरे जिले से मूर्तियां यहां पर आ रही है और विसर्जन का कार्यक्रम लगातार जारी है एक सुबह से। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और सभी अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं ताकि सकुशल मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हो सके। और लगातार, जैसा कि आप हमारे यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि लगातार मूर्तियां यहाँ पर आ रही हैं और लगातार विसर्जन कार्यक्रम जारी है। वहीं अगर बात की जाए लोगों की, तो बूढ़े बच्चे, जवान, महिलाएं सभी यहाँ पर विसर्जन कार्यक्रम देखने के लिए उत्सुक हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। बहराइच से नूर आलम वारसी।